रही थी, हम सोचा करते थे कि हम अपने घर में इतने बड़े सारे हीटर लगा के बैठे हैं और इतनी रजाई के अंदर बैठे हैं, ये किसान बॉर्डर के ऊपर पता नहीं कैसे बैठे होंगे, कैसे सो रहे होंगे खुले आसमान के नीचे। फिर गर्मी आई, डेंगू आया, कोरोना आया, सारी बाधाओं को दूर वो करते हुए अंत पंत में किसानों की जीत हुई, तीनों कानूनों को वापस लिया गया। मैं समझता हूं कि शायद ये इंसान के इतिहास में, दुनिया के इतिहास में सबसे लंबा आंदोलन था। मैं और कोई ऐसा आंदोलन नहीं जानता। भारत में 1907 में एक आंदोलन हुआ था, वो भी किसानों का आंदोलन था, पंजाब के किसानों का आंदोलन था, और वो अंग्रेजों के खिलाफ हुआ था, वो 9 महीने चला था, 1907 में हुआ था। उसके बाद अब किसानों को आंदोलन करना पड़ा अपनी सरकार के, चुनी हुई सरकार के खिलाफ, ये 12 महीने चला, दुनिया का सबसे लंबा आंदोलन, सबसे अहिंसात्मक आंदोलन, संयमित आंदोलन। सत्ता पक्ष ने इनको भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी, षड्यंत्र करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, गालियां देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उनको कुचला गया। लखीमपुर का जो इंसिडेंट है बहुत ही दर्दनाक इंसिडेंट है कि सरेआम सड़क के ऊपर इतने लोगों के सामने, हजारों लोगों के सामने किसानों को गाड़ी से कुचल दिया गया, और इतनी हिम्मत हो गई, अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन नहीं करता तो ये उसको गिरफ्तार भी नहीं करते जिसने कुचला था, ये तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से इन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। लेकिन किसान बेचारा शांत रहा, वो केवल अपने अर्जुन की आंख की तरह अपने आंदोलन पे केंद्रित रहा। 700 किसान शहीद हो गए, 700 किसान अपने ही देश में, अपनी हुई चुनी हुई सरकार के खिलाफ लड़ते लड़ते 700 किसान शहीद हो गए। उन सभी किसानों को मैं नमन करता हूं, लेकिन एक खुशी की बात यह है कि उनकी आत्मा को अब शांति मिल रही होगी, क्योंकि उन्होंने जिस चीज के लिए शहादत दी वो अंत में लक्ष्य पूरा हुआ और किसानों की जीत हुई। कितनी गालियां दी गई इन लोगों को, एंटी नेशनल हैं, अपने देश के किसान एंटी नेशनल हैं। अगर अपने देश के किसान एंटी नेशनल है तो ये सारे जो बैठे हुए हैं उधर वो क्या है फिर, जो गालियां दे रहे थे वो क्या है फिर, वो नेशनल है, एंटी नेशनल हैं, खालिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, चाइना के एजेंट हैं, पाकिस्तान के एजेंट हैं, पता नहीं क्या क्या किसानों को गालियां नहीं दी गई। कभी किसी ने सोचा नहीं था आज़ाद भारत में एक ऐसा दिन आएगा जब अपने किसानों को इस तरह की गंदी गंदी गालियां दी जाएंगी, पर किसानों ने पलट के इनका जवाब नहीं दिया, किसान शांति से बैठे रहे। इतनी हिंसा की गई, इतने वाटर कैनन इनके ऊपर बरसाए गए, लेकिन इनकी हिम्मत के सामने सरकारों के वाटर कैनन का पानी सूख गया। इनकी कीले सड़क के ऊपर कीले ठोकी गई, लेकिन इनकी हिम्मत के सामने सरकार की कीले भी पिघल गई। बैरियर लगाए गए, सब किया गया इनको, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं तोड़ पाई ये सरकार, और अंत पंत में इस सरकार को झुकना पड़ा, इनके अहंकार को तोड़ दिया इन किसानों ने। जिस तरह से आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, ये किसी आजादी की लड़ाई से कम नहीं था। सबसे बड़ी बात यह हुई कि ये किसानों की जीत नहीं है, ये जनतंत्र की जीत है, भारत की जीत है। इस देश के अंदर जो पिछले कुछ सालों से लोगों का डेमोक्रेसी के ऊपर से भरोसा उठता जा रहा था कि यार इस देश के अंदर तो कुछ चलता ही नहीं है, इनकी मेजोरिटी आ गई, ये कुछ भी कर लेते हैं, किसी के खिलाफ भी ये करते हैं, वो करते हैं, रेड मारते हैं, लोगों को तंग करते हैं, डेमोक्रेसी तो बची ही नहीं देश के अंदर, ऐसा इनको भी लगता है। इनसे जब प्राइवेट में बात करो, ये भी बहुत दुखी है, ये भी सारे बहुत दुखी हैं वो, लेकिन ऊपर से ऑर्डर आते हैं कि भाई यहाँ पे जो ज़्यादा तेज बोलेगा उसको पद मिलेगा, तो इनकी मजबूरी है, पर ये हैं सारे अपने ही दिल से, ये सारे अपने साथ हैं। सो जनतंत्र की जीत हुई है, जनतंत्र में लोगों का भरोसा बढ़ा है बहुत ज़्यादा। ये एक तरह से हवन था, उस हवन में हम सब लोगों ने भी अपनी तरफ से एक चम्मच घी का डाला। जब हमारे को फाइल आई हमारे पास कि किसान आ रहे हैं, पंजाब से चल पड़े हैं, बॉर्डर पे पहुंचने वाले हैं, उन किसानों के लिए स्टेडियम्स को जेल बनाया जाएगा, तो मेरे को अपने अन्ना आंदोलन के दिन याद आ गए। उस टाइम हमें भी जेलों में रखा गया था, इन्हीं स्टेडियम्स के अंदर हम भी रहे हैं, हमने भी रातें काटी हैं इन्हीं स्टेडियम्स के अंदर। तो मैं समझ गया कि ये स्टेडियम के अंदर इनको पटक देंगे सबको, किसानों को, और आंदोलन ख़त्म, फिर तुम स्टेडियम में बैठे रहो, जितने भी दिन बैठना है तुम करते रहो। तो हमने मंजूरी नहीं दी,
बहुत नाराज हुई, केंद्र सरकार बहुत नाराज हुई, वैसे ही बहुत तंग करते हैं, मैंने सोचा और थोड़ा तंग कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो बहुत नाराज हुए, बॉर्डर के ऊपर जितनी जरूरत पड़ी, जब जब जरूरत पड़ी, पानी की, खाने की, टॉयलेट्स की, हमने पूरी मदद की किसानों की। तो हमने अपनी तरफ से जो भी हो सकता था पूरा किसानों की मदद की। एक चीज मैं देख रहा हूं, मतलब बेशर्मी की भी हद होती है, जब ये तीन काले कानून लाए गए तो भाजपा वालों ने चारों तरफ वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है, और जब ये तीनों कानून वापस लिए गए तो बोले वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है। मतलब मैं यही कह सकता हूं, मुझे बहुत दया आती है आप लोगों के ऊपर, क्या गत बना दी आप लोगों की, आपके आपके नेताओं ने, ये ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे। किसानों की जो मांगे हैं, अभी जो पेंडिंग मांगे हैं, हम उनका पूरा समर्थन करते हैं। टेनी साहब को तुरंत केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि केंद्र सरकार की क्या मजबूरी है, कुछ तो मजबूरी होगी जो उस एक आदमी का बोझ लेके केंद्र सरकार अपने कंधे पे ढो रही है, क्यों नहीं उसको हटा देते। मुझे नहीं पता कि उसकी उनकी क्या मजबूरी है, कुछ मजबूरी होगी जरूर, लेकिन पूरा देश मांग करता है कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त किया जाए। एमएसपी की जो उनकी डिमांड है वो बिल्कुल जायज है, इसके ऊपर हमने भी बहुत अध्ययन किया है, ये राजनीतिक तौर पे नहीं, मुझे लगता है अगर एमएसपी लागू हो जाता है तो देश की एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बड़ा फायदा होगा, पूरा का पूरा बदल सकता है। जितने केसेस, झूठे केसेस इन लोगों के ऊपर लगाए गए हैं वो सारे वापस लिए जाएं, और जो 700 किसान शहीद हो गए उनके परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाए। किसान जब तक वहाँ बैठे हैं, किसान तय करेंगे वो कब उठना चाहते हैं, जब तक किसान वहाँ बैठे हैं हम किसानों के साथ हैं, पूरी तरह से किसानों के साथ हैं, हर कदम पे उनके साथ हैं। और गोपाल राय जी द्वारा जो यहाँ पे प्रस्ताव पेश किया गया, मैं उसका पूरा समर्थन करता हूँ।